हाँ, जैसे इसमें हमने ये जो खाली रोटियां थी जो वेस्ट पर भी फेंकी थी, फेंकना चाह रहे थे, वैसे हमने कलेक्ट कर लिया है ताकि ये पेट में डाल सके हम। हाँ ये देख, अच्छा दो ऑर्गेनिक आर द अनवांटेड प्लांट्स विच आर वीड्स, दिस दिस विल बी यूज्ड एज द लेयर लोअर बेड ऑफ द पेट एंड दिस विल बी यूज्ड, दिस कैन बी यूज्ड बी यूज विद इन द कंपोस्ट टू क्रिएट द कंपोस्ट। लुक एट दिस, दीज आर ग्रीन वीड्स which we are picking up. These weeds have a tendency to these weeds have nutrients of the soil. These weeds have a great role in the decomposition. It acts as a natural organic here they are. Mm-hmm. ये हमारी टीसी मेंबर हैं जो वीड्स उठा रहे हैं, जो वीड्स निकाल रहे हैं। स्टार्ट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने हॉस्टल से ये सारा मैस का जितना बचा हुआ है, जैसे सब्जी के छिलके, जो भी हमारा वेस्ट बचा होता है, जो भी खाना बचा होता है, वो हम लेके आ रहे हैं बोरे में और उसको अभी हम एक गड्ढे में डालने वाले हैं। इसको ये गड्ढा है इधर, इसको हम डालेंगे, इसे यहाँ पे हम इसको डिस्पोज करने वाले हैं और उसके बाद एक हम यहाँ पे एक फर्टिलाइजर प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इसलिए हम ये सब इकट्ठा इसमें कर रहे हैं। अब डालना किसी को आवर टीम राइट नाउ, हमने सारा रॉ मटेरियल तैयार किया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने में, जितना रॉ मटेरियल हमें यूज़ होना है, जैसे कि पिट के अंदर ये जो 1.5 फीट का पिट है हमारे सामने है, इसमें एक लेयर सूखे पत्तों की डाली हुई है। अब इसके सिवाय हमने वेस्ट खाना जमा किया है, थोड़ा इंडस मैस और चिनार मैस से वेजिटेबल पील और बोरे जमा किए हैं अलग अलग लेयर्स बनाने के लिए, और इसके बाद हम फर्टिलाइजर के बाद ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग करेंगे, जिससे कि अगले 7 से 10 दिन के इंटरवल में हमारा मेन्यूर रेडी हो जाएगा। ये हमारी टीम है, धीरे धीरे सबको फोकस कर। हेलो 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 हेलो, कैसे कर लो बात है कि ना वर्क रिकॉर्ड हो गया। हां हूं, चलो गया सर बोला। हां ये भी कंसर्न होगा, गो ग्रीन Go green. Everybody say go green. Go green. Go green. यहाँ पर क्रशिंग हो रही है पत्तों की, ये फर्स्ट लेयर जो डाली गई थी, यहाँ पर मैन्योर तैयार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसकी अहम भूमिका है डिकम्पोजिशन में। आवाज रिकॉर्ड हो रही है, पानी वगैरह बाल्टी में पानी डालो, वो सब चीज लाओ। तुम अनुराग कैप्चर कर लोगे ना? हाँ सर, हाँ सर कर लूंगा सर, आप कर लेना अभी, मैं कल डलवा दूंगा। तुम गलत साइड कि एक लेयर हम डाल चुके हैं और अभी इसमें हम वीट डाल लें, इसके बाद इसके ऊपर पानी डालेंगे और ऑर्गेनिक मटेरियल डालेंगे और एक फर्टिलाइजर हम प्रिपेयर करते हैं। कैमरा टेढ़ा मत करना मेरे लिए समय, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो आता है ना तो टेढ़ा हो जाता है, फोटोज भी ले सॉरी, लेकिन इससे प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, पानी डालते रहे यार, ये तैयार हो पर नहीं जा सकते। अरे तुमने तैयार हो तो प्लीज डाल देंगे ऊपर, अभी ऊपर से पत्ता डालना पड़ेगा यार, ऊपर गोबर डाल देंगे, नहीं नहीं गोबर डालेंगे, गोबर डाल देंगे, अपने आप दिखने लगेगा कंपोस्ट हो गया। गोबर कहां से लाएगा? नाली का पानी उठा के हिलाना मत, हाथ तुम भी आराम से कर, हिलना नहीं चाहिए, पहले डब्बा खाली हो गया, ऐसा डाल दे यार, सुन ना यार, एक आधे डालना, पानी डालते रहो, कुछ पानी डालते रहो, हल्का हल्का हल्का, पूरा नहीं उठा के, नहीं हाथ से आधा डालो पहले, ये आराम से आराम, अरे उसमें तो डाल दो, रहने दे पार्टी हो रही है, देख सुन ऐसा कर दे, सुन बोल ना, देख सही तरीके से, ये आधे डालेंगे, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, डालेंगे फिर दोबारा, पेरेटा पेरेटा अनुराग पेरेटा, ये डालो हटा हटा, ये डाल दे पार्टी, थोड़ा पीछे कर, इस तरफ लाओ, थोड़ा इस तरफ डालो यार, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, अरे इधर को
बस ठीक है, अभी रोक लो चावल, बस अभी छोड़ दे, अभी थोड़ा सा वेट कर, अभी थोड़ा वेट करने में दिक्कत आ रहा है। रुको रुको रुको, स्टॉप, ये डालकर मिक्स कर दे, ठीक है, पहले मिक्स कर दे। इसमें क्या मिक्स करना है? अभी ऑर्गेनिक कंपोस्ट में क्रशिंग हो रही है थर्ड लेयर की, जो कि सब्जियों की है, तो इससे इजीली जितने भी अर्थ वर्म्स हैं जल्दी आएंगे, ताकि हमारा ऑर्गेनिक कंपोस्ट थोड़ा स्पीड अप हो जाए। उससे बनने का क्रश हैज बीन क्रिएटेड ऑलरेडी। उधर भी ले, अभी उठा के डाल लेना, पकड़ के यार उठा दो यार, सही तो कर, आराम से। अरे रुक जाओ यार, पानी अभी रुक जाओ, पानी साइड से करना है, ऐसे करके घुमा दे, घुमा ले इधर इधर, थोड़ा साइड, थोड़ा साइड, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, अरे उधर उधर डाल डाल, सही सही डाल डाल डाल, इधर से हम डाल देंगे, इधर हम डाल देंगे, इधर हम डाल देंगे, इधर थोड़ा साइड ऑफ साइड दे, अभी है, अभी थोड़ा रहने दो, एक फोटो के लिए चाहिए, अभी नहीं जाएगा, स्टार्ट कर दिया क्या? So here we have started the procedure to create our organic manure. The raw material is already in front of us. As we can see, हमने तीन चार लेयर बनाई हैं, सबसे नीचे पत्तों की एक लेयर, उसके ऊपर आलू के छिलके जो हमने मैस से कलेक्ट किए उनकी एक लेयर, और उसके ऊपर हमने वेस्ट जो जमा हुआ उसको किया, और उसके ऊपर वापस हम लेयर्स को रिपीट करके हम क्रशिंग कर रहे हैं। क्रशिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो ईजियर होगा। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा ये होगा कि हम इसमें मैन्योर्स डालेंगे, एक के बाद एक लेयर्स बना के इसको क्रश करेंगे, ताकि डिकम्पोजिशन होने के बाद जब हम मैन्योर्स डालेंगे तो प्रोसेस इजीली होगा। देन वी विल स्प्रिंकल सम टॉप सॉइल फ्रॉम सराउंडिंग, वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सराउंडिंग, एंड द होल प्रोसेस विल बी कंप्लीट दैट। आराम से रसगुल्ले भी है क्या? हेलो पनीर है, इधर आ जा, एक जगह पे ज्यादा पानी मत डालो, साइड में हेलो फोर्स के साथ दोनों जगह पूरी बॉडी का हाथ में भी चल जाएगा बाद में। लक्ष्य रिपोर्ट कौन लिख के देगा मेरे को? हां मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा, अच्छे से रिपोर्ट लिखना है, क्या-क्या हुआ, और उसके बाद दो तीन लोग फोटो जिनके पास है जिनका सही फोटोज कंपाइल कर लेना, कुछ-कुछ फोटो देखना हेल्थी में आएंगी, कैमरा में तुम ही लोगों के पास छोड़ रहा हूं, और ये फोटो कंपाइल करना और मेरे को दिखाना फिर क्या है, ठीक है, अच्छे से गिरा कर दे, फोटो सही है, एक काम करना कैमरा मेरे को दे देना, तुम अपने कंपाइल कर लेना, ठीक है, मिट्टी गिरा, मिट्टी इस पे नहीं, अरे इसी की मिट्टी, अरे किनारे किनारे।